लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने की किसान पंचायत आयोजित। थाना लाइनपार क्षेत्र कुर्रीकूपा में किसानों के समर्थन में हुआ यह आयोजन। कहा कि उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट पर खेती देने की है साजिश। फिरोजाबाद थाना लाइनपार क्षेत्र कुर्रीकूपा में समाजवादी पार्टी एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि आखिर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है। किसान पंचायत के माध्यम से आपको बताते हैं। कहा कि पूरी भारत सरकार जिस तरह से प्रताड़ित और दमनकारी तरीके से जो कार्य कर रही है, एनएस मूल्य वो नहीं देना चाहती। और साथ ही कहा कि इसके साथ साथ उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट पर खेती देने की साजिश है, उसे हम पूरा नहीं होने देंगे, इससे देश का गरीब और किसान परेशान हो जाएगा, खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा। और कहा कि इसीलिए किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पूर्व सांसद अक्षय यादव के निर्देश पर। कहा कि हम सब जगह जगह जाकर मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग अपना विरोध जारी रखेंगे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। किसान पंचायत लगाएगी और कहाँ लगाएगी? यहाँ कुर्रीकूपा चौराहे पे गेस्ट हाउस में। इससे पहले दो तीन जगह हम और हो आए, गुनाऊ भी गए और गुनाऊ के नगला दानसाय गए, उसके बाद यहाँ पर आए हैं, नगला टिकैत भी गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान में हरियाणा और पंजाब के जो किसान धरने पे बैठे हैं और वो काला कानून वापस लेने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं, मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी देश की किसान की अगुवाई वो पूरी फैमिली बच्चों के साथ वहाँ कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये समझ लिया ये काला कानून है, पूरी गवर्नमेंट, भारत सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से प्रताड़ित और दमनकारी तरीके से जो कार्य कर रही है, जिसमें हमारा जो एमएसपी मूल्य है वो नहीं देना चाहती, इसके साथ साथ जो मंडियाँ ख़त्म करने की साजिश है, उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट पर खेती देने की साजिश है, किसी कीमत पर ये किसान और हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग पूरी नहीं होने देंगे। इनकी प्लानिंग है उद्योगपतियों को खेती दी जाए गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर, इसके साथ साथ मंडियां ख़त्म की जाएं, पूरा भंडारण का लाइसेंस इन लोगों को दिया जाए, जो सस्ते मूल्य पर खरीदें और अधिक मूल्य पर बेचें, जिससे देश का गरीब और किसान जो रह जाएगा बेचारा परेशान हो जाएगा, वो खाने के लिए अन्न नहीं मिल पाएगा। जो अन्नदाता देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, पूरी घर वाले लग जाते हैं तब खेती में पैदा होता है, वो पैदा करने के बाद उसके मालिक होंगे यहाँ के उद्योगपति। इसीलिए किसान के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय अक्षय यादव जी के निर्देश पर हम सब लोग जगह जगह किसानों की पंचायत करके ये उनको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ये कानून क्या है, इसके लिए हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमारा पूरी तरह से विरोध जारी है। किसानों को सबको बताया, सबकी समझ में आ गया और किसान गांव-गांव जा करके अपने साथियों को ये सब कानून के बारे में बताएंगे। हम लोग अपना विरोध जारी रखेंगे।